हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे के निर्मम हत्या के विरोध में धनबाद भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस, फूका सीएम का पुतला। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान हजारीबाग जिले के बरही के युवक रुपेश पांडे के निर्मम हत्या के विरोध में धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। धनबाद सिटी सेंटर से आजाद हिंद चौक तक मशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, हेमंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। उधर चलिए, उधर चलिए, बढ़िया ही है। ना ना नहीं, वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह मॉब लिंचिंग कर रितेश पांडे की हत्या की गई, इसके बाद अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके विरोध में भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जब से यूपीए की सरकार झारखंड में बनी है, तब से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ गया है। आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन और सरकार कोयले और बालू के लूट में लगी हुई है। दिनों बरही में सरस्वती पूजा के दिन जिस तरीके से रुपेश पांडे नामक एक शख्स की हत्या की गई, या यूं कहें कि जिस तरह मॉब लिंचिंग के द्वारा सामूहिक रूप से उसकी हत्या की गई, उसकी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रार्थना करते हैं। और पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए आयोजित है कि लगातार आज कई दिन हो गए, आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है, ना एक व्यक्ति आज तक गिरफ्तार हुआ है। जब से पिछले दो वर्षों से अधिक समय हो गया इस राज्य में यूपीए के शासनकाल जब से आया है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित है, तब से आए दिन चोरी, डकैती, बलात्कार, चोर और हत्या एक मतलब उद्योग सा यहाँ हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे विचलित है और तमाम जनता जो झारखंड में इस समय यहाँ निवास कर रही है, सब डर से भयभीत है। कल भी आपने देखा कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर एक व्यवसायी की रोड मारकर हत्या कर दी गई, कल ही एक आईजी के ससुर के घर में डकैती हो गई, ये सब दर्शाता है कि अपराधी या निरंकुश हो गए हैं। और खुल्लम खुला बाजार, या यूं कहे तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने खुल्लम खुला छूट दे रखी है अपराधियों को कि आप चोरी करो, डकैती करो, कोयला चोरी करो, हत्या करो, लेकिन हमारा जो हिस्सा हमको पहुंचा दो, तुमको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। क्योंकि ये साबित कर रहा है, अगर ये नहीं होता तो अभी तक वो रुपेश पांडे जिनकी हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग जिनके साथ हुआ, उनके अपराधी अभी तक जेल के सलाखों के पीछे में होते हैं। आपने देखा कि एक दिन एक घटना घटी, एक व्यक्ति को जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ में गाली दे रहा था, हत्या की धमकी दे रहा था, कुछ लोगों ने उनके ऊपर लप्पड़ थप्पड़ किया, तुरंत पुलिस उसके घर में घुस कर रात को गिरफ्तार करके लोगों को, निर्दोष लोगों को भी लेके जेल भेजने का काम की। लेकिन आज कई दिन हो गए जो व्यक्ति ने हत्या की है खुलेआम घूम रहा, लेकिन कोई सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और आज मशाल जुलूस और धरना के पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है। बहुत ही दुखद स्थिति में हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों बरही में सरस्वती पूजा के दरमियान जिस तरह रुपेश पांडे नामक युवक की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई, वह एक तरह से मॉब लिंचिंग था और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह हेमंत सरकार की विधि व्यवस्था की विफलता की गाथा है, यह हेमंत सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है, यह मानवता को शर्मसार करने वाला घटना था। पुलिस जिस तरह मुक्तर्षक बनी हुई है, वह हेमंत सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर।